क्या बड़ा और क्या छोटा, क्या अमीर और क्या गरीब, महाकाल का दरबार हर किसी के लिए खुला है। लेकिन मंगलवार को रणवीर और आलिया के साथ उज्जैन में जो हुआ वो कहानी कुछ और है। रणवीर और आलिया को महाकाल मंदिर के दर्शन नहीं करने देने को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार है उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। प्रदेश के और देश के किसी भी धर्म स्थल में सरकार की तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस धर्म स्थल में उसके प्रवेश के पूर्व उसकी यह जांच की जाए कि अमुक व्यक्ति बीफ खाता है, नॉन वेजिटेरियन है या शराब पीता है। जब ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी के भी धर्म आचरण को, धर्म के प्रति आस्था को रोकने का गुंडागिरी के माध्यम से अधिकार नहीं है और ये सरकार का फेलियर है। इधर सियासत से अलग संत समाज में भी इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर का साफ कहना है कि गोमांस खाने वालों का महाकाल के आंगन में क्या काम है। सनातन धर्म का नियम है कि गोमांस खाने वाले को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो वहीं प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कुछ और कहते हैं। कोई भी गवत्यारा गौमांस खाने वाला मंदिरों में प्रवेश नहीं करेगा, यह सनातन धर्म का नियम है। कई मंदिरों में गवत्यारों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, मांस भक्षण करके नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू समाज का सनातन धर्म को मानता है वो इन नियमों का पालन करता है, उस नियम का पालन करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करता है। वो इस योग्य नहीं पाए गए, इसलिए उनका विरोध हुआ। महाकाल के दरबार में कोई अगर आ रहा है और वो कुछ भी है, कैसा भी है, कैसा भी, एक कीचड़ में गिरा हुआ बच्चा, उस बच्चे को पड़ोसी कभी साफ नहीं करेगा, ना अपने रिश्तेदार साफ करेंगे। पर माँ बच्चा कितना भी गंदा होगा, बाप देखेंगे बच्चा कितना भी गंदा, उसको नाली में से निकालेगा, गले से लगाएगा, चुप करेगा, फिर साफ करेगा। तो कोई कितना भी गंदा हो, कितना भी उसका व्यवहार कैसा भी हो, उसकी लैंग्वेज कितनी भी गड़बड़ हो, पर भगवान शिव के दरवाजे पर तो वो पिता है, उसके द्वार पर तो बच्चा कैसे भी जा सकता, और साफ करना उसका काम है। जाहिर है इस घटना को लेकर सियासत, ग्लैमर और अध्यात्म की दुनिया में बहस छिड़ गई है। लेकिन इस बहस के बीच बड़ी शिद्दत से महाकाल के दर्शन करने आए रणवीर और आलिया जो मलाल लेकर लौटे हैं, वो जरूर कई सवाल खड़े करता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दर्शन पर दंगल। एक बात जो मन में आती है इस तरह की कोई भी घटना होती है कि एक छवि होती है, एक इमेज होती है, और वो इमेज पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। रणवीर ने जो कहा, कई बार ये सही बात है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की इस बात से इस मायने में सहमत हुआ जा सकता है कि बोल, तोल मोल कर बोल भैया। आप कई बार एक बड़े नामचीन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिल्म के परिवार से आते हैं, उनके शो में सेलिब्रिटी आती है। अब यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप पूछ सकते हैं आप बेडरूम में क्या करते हैं, आपने ये क्या किया, कई अंतरंग प्रश्न वो महोदय करते हैं। हाँ, मैं उस पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हैं हम, एक लोकतंत्र में हैं, और यहाँ वो सारी चीज़ें जब लोग पसंद कर रहे हैं, जहाँ कोई बंदिश नहीं है वहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कई बार भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्लेयर भी एक बार इस तरह की बात कह गए थे कि जिसकी वजह से उनको बाद में काफ़ी परेशानी उनको झेलनी पड़ी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि आपने क्या कह दिया और फिर वो कई साल बाद आपके लिए थोड़ी चुनौती बन गया। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे ही मेहमान नवाज राजनेता भी हैं जो इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके अपने मध्य प्रदेश और उनके अपने मध्य प्रदेश से जुड़े हर पहलू पर कोई ऐसी बात ना हो कि जिस पर सवाल उठे। ऐसा नहीं है कि रणवीर और आलिया को वहाँ जाने से किसी व्यवस्था ने रोका, ये उनके भीतर की चिंता ने उन्हें रोका, क्योंकि आलिया प्रेग्नेंट हैं इस समय और उनको ऐसा लगा कि अगर हम गए, वो पूरी सुरक्षा भी रही, तब भी अगर नारेबाजी हुई या माफ़ कीजिएगा एक पत्थर आ गया गाड़ी की तरफ, किसी ने झंडा फेंक दिया,
और इन परिस्थितियों में अगर नारे ही सुन लिए उस महिला ने जो गर्भवती है, उसकी मनोदशा का जो विचलन है, डॉक्टर से भी बात हो सकती है। बेहतर ये होता कि जो प्रदर्शनकारी थे, ये जिम्मेदारी उनकी थी। एक बड़ा सुंदर शब्द मुन्ना भाई के बाद आया प्रचलन में, और हिरानी साहब को उसके लिए प्रणाम, गांधीगिरी। वो हाथ में फूल लेते, अपना ज्ञापन लेते, कलेक्टर साहब के पास जाते, कहते उन तक पहुंचा दीजिएगा और उनका स्वागत करिएगा। महाकाल की नगरी उज्जैनी में दोनों पति पत्नी का स्वागत है। इससे असहमति कि हमने बीफ का सेवन किया था, हम इससे घोर असहमत हैं और निवेदन करेंगे कि अगर अभी भी सेवन करते हैं तो छोड़ दें, वो इतना ही हम कर सकते हैं, लेकिन हम घोर विरोध दर्शाते हैं, लेकिन पूरा स्वागत करते हैं और जाते समय महाकाल का वो आशीर्वाद ले जाएं, भावी संतति के लिए हमारी भी ढेरों शुभकामनाएं। ये हमारी वो बात है जो महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। यही वजह है कि आप कितनी परंपराएं पीछे देखते हैं। आज हम इस सवाल पर बात करते हुए, बहस करते हुए जिन मुद्दों पर केंद्रित रहेंगे, एक नजर डाल लीजिए उस पर। धर्म पर सियासत कहां तक जायज? संत समाज में एक राय क्यों नहीं? क्या कांग्रेस इस बहाने राजनीतिक रोटियां सेक रही है? तो ये वो सवाल हैं जिन पर हम केंद्रित रहेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपकी मुलाकात मैं कराता हूं। सबसे पहले मिल लीजिए जो मेरे साथ हैं, आशीष शर्मा जी। ऑफिस उनके साथ चलता है तो एक जनप्रतिनिधि को आपको ये छूट तो देनी पड़ेगी कि वो अपने साथ ढेर सारे कागज रखे, मोबाइल फ़ोन का स्टूडियो में बैठकर भी उत्तर दे और बहुत सारी चीज़ों को वो अपने मन में रखे कि इनका ये एड्रेस करना है, इनकी ये समस्या का निदान करना है। तो इन सब के बीच आपका स्वागत करता हूँ आशीष जी। आप सुरेश राजे जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस विधायक हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण विधायक हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी हमारे साथ हैं उज्जैनी से, जिनका मैं खुद भी बहुत आदर करता हूं और बहुत ही उनकी स्पष्ट और कुशल वक्तृत्व का मैं भी बड़ा प्रशंसक हूं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। महामंडलेश्वर जी, पहली टिप्पणी आप ही की लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक तो मेहमान विरोध का स्वर बिल्कुल प्रखर हो और जो भी धर्मसम्मत कोई नियमावली हो वो भी बहुत सुस्पष्ट हो, लेकिन आप ही की यानी अध्यात्म जगत की ही परंपरा से आने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी जो कहा तार्किक दृष्टि से वो भी उचित प्रतीत होता है। आप जो कह रहे हैं वो भी, आप निश्चित तौर पर महामंडलेश्वर हैं, ज्ञाता हैं सनातन परंपरा के, आपने भी जो बात कही होगी सनातन परंपरा में गोते लगाकर मोती निकालकर ही कही होगी। लेकिन ये प्रभु पर छोड़ देना उचित है या ये हम तय करें कि ये व्यक्ति यहाँ जाएगा ये नहीं जाएगा? जी नमस्कार, धन्यवाद सर जी। जी प्रणाम जी। अतिथि देवो भव की एक उक्ति और अभिनंदन हमारे देश की एक परंपरा है जी, और अतिथि देवो भव को हम स्वीकार करते हैं। परंपरा के अनुसार उनका स्वागत अभिनंदन होता जी, अगर अतिथि बनकर आते जो वक्तव्य उन्होंने पूर्व में दिए उनको गाय का मांस खाना बहुत पसंद है, उसके बाद अगर वो माफी मांगते कि नहीं मुझसे गलती हुई है तो निश्चित रूप से अतिथि देवो भव की परंपरा मालवा के लोग बहुत अच्छे से और मध्य प्रदेश के लोग निभाना जानते हैं जी, जी, जी। परंतु बार बार ऐसे बयानों को देना और फिर महाकाल की शरण में आना, जिन महाकाल के दर्शन करने वो आए हैं उनकी सवारी नंदी है और नंदी का जन्म गौ माता से हुआ है। अब नंदी की ही माता को काट कर खाने की बात करने वाले लोग दर्शन करने आए या फोटो खिंचवाने आए या अपनी फिल्मों का प्रमोशन के लिए यहाँ आए तो ये प्रमोशन करने का स्थान नहीं है। इनका कहना था कि हमें जो फिल्मों से आय होगी उसका 50 करोड़ रुपए हम पाकिस्तान को देंगे, फिल्म भी वहीं बनाइए, सुन्नत भी वहीं कराइए, धर्म भी वहीं का निभाइए, अतिथि देवो बन के आएंगे तो हम माला पहनाएंगे। मैंने सुन रहा था आपको, कलेक्टर महोदय से कहना चाहिए था, निवेदन करना चाहिए था
ये सब निवेदन होने की आवश्यकता ही नहीं थी। महाकाल भगवान का दरबार सबके लिए खुला है। इससे पहले अमृता सिंह आई है, अक्षय कुमार आए हैं और सारा अली खान भी आई है, मर्यादा के साथ आए हैं वो लोग। आलिया भट्ट का कोई विरोध नहीं था उसमें। रणबीर कपूर का विरोध कुछ लोगों ने किया क्योंकि उन्होंने गौ माता का अपमान किया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सपत्नीक गौ माता की पूजा करते हैं जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी करते हैं, आप भी करते हैं, और परंपरा सदियों से चली आ रही थी। 1,97,29,49,000 वर्ष से गौ पूजन का विधान इस भारत को मिला है। और उसी भारत की जननी को अगर कोई काट कर खाने की बात कहता है कि हमें उनका बीफ पसंद है, तो ऐसे लोगों को दर्शन करने का भी अपराध बताया है जी। तो कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सनातन का धर्म विधान है कि शुद्ध चित्त और मन से निष्ठापूर्वक भगवान के दर्शन करना चाहिए, उनके भीतर निष्ठा नहीं थी। पुलिस ने, प्रशासन ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके दर्शन की पूर्ण व्यवस्था की थी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की थी, परंतु उन्होंने अपने को असहज समझा, अशुद्ध समझा और विचलित समझा, इसलिए वो वापस गए और उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन नहीं किए। अयान मुखर्जी ने भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं, उनके लिए कोई विरोध नहीं हुआ, और भी टीम आए उनके लिए भी कोई विरोध नहीं हुआ। महामंडलेश्वर जी, आपने बहुत तार्किक दृष्टि से अपनी बात रखने का एक पूरा प्रयास किया है और बिना उसके आपने जो बातें कही हैं, तो मैं ये भी सोच रहा था कि क्या इन बातों के पहले जीवन में कई बार परामर्श एक बड़ी अच्छी विधा है, तो शायद अगर आप जैसे किसी विज्ञ महामंडलेश्वर और सन्यासी से एक बार भेंट उनकी हो जाती तो कुछ शंका समाधान भी हो जाता। और बात सही है कि अगर कोई त्रुटि हमसे हुई है, अगर हमने किसी की भावनाओं को आहत किया है, अगर हमने ये कहा है कि पाकिस्तान को 50 करोड़ देंगे, अगर हमने 10 साल पहले किसी इंटरव्यू में ये त्रुटि की है, तो उस त्रुटि का कहीं ना कहीं क्षमा का विधान तो है ही, और उसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, वो किसी भी जाति धर्म वर्ग के हों। बरा अब मैं सुरेश राजे जी को ज़रूर एक उनकी टिप्पणी सुनना चाहूँगा, और सभी प्रतिभागियों से मेरा आग्रह रहेगा कि हम इस विषय पर बहुत ही संतुलित, संयमित और ऐसे तर्कसम्मत हों कि जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। जैसे मैंने आचार्य जी को सुना, मुझे बहुत, मैं प्रशंसा तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा एक पत्रकार कहता है तो बहुत अर्थ लगा लिए जाते हैं उसके, लेकिन मैं कहूँगा उन्होंने बहुत संतुलित टिप्पणी अपनी व्यक्त की है जी। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? जहां तक सवाल है जी, ईश्वर के दर्शन करने जाने का या भोलेनाथ के दरबार में जाने का, अब ये नई परंपरा शुरू कर दी, ये देश कहां जाएगा नहीं पता। अब वो कहा कि उन्होंने ऐसा कहा कि वो गोमांस उन्हें पसंद है नहीं पसंद है, हम नहीं उसमें जाना चाहते, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपके माध्यम से जी, ये भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार और उनके समाज नुमाइंदों से ये पूछना चाहता हूँ। वर्तमान में केंद्र में मंत्री है किरण रिजिजू जी, उनके वक्तव्य शायद आपने भी सुने होंगे जी, आपने भी उसकी जानकारी आपको रही होगी। स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं जी, इनकी सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तब एक देश में, ये तो वो पार्टी है, एक देश में दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, तो इसी देश में दोहरी संस्कृति एक ही मापदंड पे आप दोहरा प्रवर्तन क्यों अपनाना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं ना, मांस किसी प्रकार का नहीं, गाय तो हमारी माता है, हम सब माता के रूप में पूजते हैं, कौन नहीं पूजता, और लेकिन मांस तो किसी भी प्रकार का वर्जित है। क्यों बकरी का मांस को जरूरी है? वो क्या बकरी का बच्चा का मांस उसकी मां नहीं है? क्यों जरूरी है? हम तो कहते हैं ना पूर्ण मांस पर, पूरे की तरह से मांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एक दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार नहीं थी तो ये बीफ के ऊपर बहुत बड़ा हो अल्लाह करते थे। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज देश में बीफ के कौन कौन से निर्यातक हैं और कौन कौन से दल के वो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, किन किन परिवारों में बीफ का निर्यात किया जाता है, ये कौन रोक रहा है? केंद्र में सरकार बैठी है, मैं तो कहता हूं पूरी तरह देश में कहीं भी गोवा से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश में पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी, कौन रोक रहा है? और जो इसकी खिलाफत करता है हम उसकी खिलाफत करेंगे, लेकिन दोनों मापदंड नहीं चलेगा।
एक जो आपका केंद्र में मंत्री है वो कहता है मुझे जीप पसंद है, जीप का मांस पसंद है, उसके लिए आपके पास और मापदंड है। एक जो कलाकार है वो जाता है दर्शन करने, उसने क्या कहा उससे पूर्व उस पर मत जाइए। आज आप आज की बात करिए, अगर उनको दंड देना था 50 करोड़ की बात की तो उस समय दंड देना था, उन्होंने दीप की बात की उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई करना। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। आज तो भगवान के दर्शन करने आए थे ना साहब, तो भगवान दंड देगा अगर वो गलत है तो। इसमें सुरेश जी, इसमें जितना मैं समझ पाया हूं एक पत्रकार के नाते, बीजेपी का ये दावा बराबर है कि उसकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सिर्फ इतना कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया था ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन सरकार का जो पूरा स्टैंड है वो ये कहना है कि उनको कलेक्टर ने भी बार बार आग्रह किया कि आप चलिए, आप दर्शन कर लीजिए, समुचित सुरक्षा व्यवस्था है। तो सरकार की तरफ से नहीं, कतिपय संगठन रहे जिन्होंने आपत्ति उठाई, लेकिन जो बातें आपने कही हैं उन पर और क्या कहेंगे हमारे बीजेपी के विधायक और आपके साथी आशीष शर्मा जी, वो हम आशीष जी से सुनेंगे। जी आशीष, देखिए हमारा देश बहुरंगी संस्कृति का देश है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग खान पान, बोली, वेशभूषा अपनाई जाती है। जहाँ तक बात है कल के उज्जैन महाकाल के प्रकरण का, भारत में किसी भी मंदिर में किसी को भी जाने का प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता, ये भी चले जाते कोई दिक्कत थी नहीं, और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी। इतने सारे पुलिस के अधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, स्वयं कलेक्टर उनके दर्शन कराने के लिए लगे हुए थे। लेकिन जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनका बहुत बड़ा फैन फॉलोअर्स होता है, लाखों करोड़ों जिनके प्रशंसक होते हैं, उनको अपनी आस्थाओं का प्रकटीकरण करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो समाज का बहुसंख्यक तबका है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, भारत में युगों युगों से वेदों से लेकर पुराणों तक में गौ माता का जो स्थान है, गौ माता की तुलना किसी अन्य पशु से नहीं की जा सकती, बकरी से गौ माता की तुलना आप नहीं कर सकते, गौ माता का अपना एक विशेष स्थान सनातन धर्म में है। और इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मैं गौमांस खाता हूँ और उसके बाद वो भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, तो सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो उनको दर्शन की अनुमति थी ही, लेकिन समाज को तो ये अधिकार है कि अगर कोई गौमांस का भक्षण करता है, गौ माता के प्रति उसकी इस तरह की भावना है, तो उसका विरोध प्रकटीकरण करने का शांतिपूर्ण तरीके से उसको अधिकार है। जो वहाँ पर कुछ लोगों ने किया, लेकिन आपने देखा होगा कि पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, जो इस बात की तरफ इंगित करता ही है कि प्रशासन और पुलिस तो उनको दर्शन कराना चाहती थी, लेकिन इस जो परिस्थिति वहाँ पर तत्कालीन समय में निर्मित हुई, इसे देखते हुए उन्होंने दर्शन करना जाना उचित नहीं समझा। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान महाकाल का दरबार सबके लिए खुला है, लेकिन आचार्य जी ने जितनी अच्छी बात की है कि नंदी उनकी सवारी है और वो गौ माता के पेट से ही उस नंदी का जन्म होता है, इसलिए जो स्वयं गौमांस खाने की बात करता है उसे अगर दर्शन करने का वहाँ पर अधिकार वो चाहता है, और जो भगवान शिव के भक्त हैं, महाकाल के जो भक्त हैं, वो वहाँ पर उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं समाज में, जिनके अनुसरण बहुत सारे लोग करते हैं, उन्हें बयान देते समय और अपना वक्तव्य देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उनके इस बयान के कारण भक्तों की भावनाएँ आहत नहीं हों। आचार्य श्री, समय कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस राउंड में जो हमारे पास एक संक्षिप्त समय है, तो आप लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया मिले। जो विषय सुरेश राजे जी ने उठाया, उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं का अभिमत, ऐसा उनका दावा है कि इसके पक्ष में रहा है, और ऐसी रिपोर्ट्स मीडिया में रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वोत्तर है जहां खान पान की एक प्रणाली है, केरल है जहां खान पान की एक प्रणाली है, और आप और हम सब जानते हैं कि उस खान पान में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। उस पर विवाद करने के बजाय क्या सम्यक फैसला क्या होना चाहिए कि केरल भी ये ना कहे कि ये क्या हो रहा है, और पूर्वोत्तर भी ये ना कहे या गोवा भी ये ना कहे कि ये क्या हो रहा है। ऐसे निर्णय हम कैसे करें? हम एक लोकतंत्र में हैं, एक विराट लोकतंत्र में हैं, जिसकी अनेक शाखाएं हैं, अनेक रंग रूप की शाखाएं हैं। जी, मैं इतना ही कहूंगा कि संविधान में एक ऐसा गजट पारित होना चाहिए जिसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, गौ हत्यारों को सजा मिले, तो गौ हत्याएं बंद होगी तो मांस बिकना बंद हो जाएगा,
और जो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक रूप इस मुद्दे को दे दिया है, ये भाजपा और कांग्रेस का विषय नहीं है, ये सनातन का, भारत का विषय है कि किसको कहां प्रवेश देना चाहिए, किसको कहां नहीं देना चाहिए। इसे राजनीतिक हवा ना दे, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने का विषय था कि अगर आपको दर्शन करना और आपने इसे वक्तव्य दिए है तो उसका निराकरण आपको स्वयं करना सीखना चाहिए। क्या आप ये अपील भी करना चाहेंगे? परिवर्तन होना चाहिए जी आचार्य श्री, क्या आप ये अपील भी करना चाहेंगे कि गौवंश के सम्मान में इतनी बड़ी आबादी है हमारी, हम अपने सामर्थ्य के भीतर जो तथाकथित रूप से उपयोगिता के प्रतिमान पर जो गोवंश दूध देने में या वृद्धावस्था के कारण उपयोगी, उस दृष्टि से कहना भी अजीब लगता है, वो सड़कों पर भटकता है, वाहनों की दुर्घटना का मानसून के समय अक्सर हम देखते हैं कि कई अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं, दोनों तरफ से क्षति होती है, क्या व्यक्ति समाज भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आगे आए, गौशालाएं सिर्फ ऐसा नहीं संत समाज की या स्वैच्छिक संगठनों के ही दायित्व के अंदर है? जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ वृद्धाश्रम है और गौशालाएं खोली जा रही है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक किसान को यूरिया और खाद देना बंद किया जाए, जिस किसान के घर गाय रहेगी उसी को सारे लोन मिलना चाहिए, उसको सुविधाएं मिलना चाहिए, जिनके घर गाय नहीं है उनका दाना पानी बंद होना चाहिए, और प्रत्येक नागरिक जो शहरों में निवास करते हैं गाय का संरक्षण जब तक वो नहीं करेंगे तब तक इस गाय को प्रचारित करने वाले लोग रोड पर घुमाते रहेंगे और उसकी हत्या होती रहेगी। कुछ समय के बाद शरद जी पुस्तकों में ही गौ माता दिखेगी, मतलब रोड पर और घरों में गौ माता बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगी। गौ माता का अगर संरक्षण नहीं किया तो एसी लगाने से गर्मी खत्म नहीं होगी, ऑक्सीजन तो गौ माता ही देती है और वो ही इस धरती का एक रूप है, इसलिए उसका संरक्षण होना चाहिए, इसको राजनीतिक रूप न देकर सनातनी रूप से इसको सुनना चाहिए और समझने का विषय है। सुरेश जी, पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने गौ सेवा की थी, मैं कहता हूँ कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने ऐसी गौ सेवा की है जो आटा लीटर के भाव बेच रहे हैं, उनको भी गाय का दूध पिलाना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए। सुरेश जी, आपकी टिप्पणी संक्षेप में, समय कम है मेरे पास तो 30 सेकंड के भीतर आग्रह है। जी, अभी आपने कहा कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री गौ की सेवा करते हैं, गृह मंत्री भी गौ पालते हैं, गौ की सेवा करते हैं। मेरा तो आपके माध्यम से और इतना ही कहना है कि जो आपने अभी मुद्दा दिया कि पूरे के पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि हमारी गौ माता और गौ माता के जो बछड़े हैं या वृद्ध गौ माता है या हमारे नंदी है जिसे अभी गुरु महाराज बोल रहे थे, इन सबकी दुर्दशा है साहब। हम ये सब छोड़ के कुछ ऐसा करें देश में, कम से कम हम जिसको माता कहते हैं माता के रूप में पूजते हैं, और हम बिल्कुल हम कहते हैं ना तो देश में कुछ ऐसा नियम लागू होना चाहिए जो वाकई में माता कहने भर से काम नहीं चलेगा, माता जैसा आचरण भी होना चाहिए, और गौवंश और गौ माता के लिए देश में कोई ऐसा कानून लाए कि जिस द्वीप का झंझट ही खत्म हो जाए, कानून भी आए और एक ऐसा अभिमत भी खड़ा हो जो स्वेच्छा से खड़ा हो। सरकारें कानून बहुत सारे लाती हैं लेकिन हम जानते हैं कि लोगों के मन में वो कानून कितने उतरते हैं, तो बेहतर ये भी है कि ये संकल्प हमारी तरफ से भी आए, एक विधायक की विधायक निधि का हिस्सा हो, एक पत्रकार के वेतन का भले ही छोटा सा हिस्सा हो लेकिन वो हिस्सा हो, क्योंकि हर चीज़ सरकार पर छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आशीष जी, देखिए गौवंश के प्रति पूरे देश के नज़रिए में बदलाव आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये भी सत्यता है कि हाईवेज पर, रोड पर बड़ी संख्या में बारिश के दिनों में गौवंश बैठ जाता है। जितनी गौशालाएँ बनी हैं, जितनी निजी गौशालाएँ संचालित है, उन सब की देखरेख भी आम जनता को अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर गौवंश के प्रति हम नज़रिया नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही महाराज जी ने कहा कि आने वाले समय में हम गौ माता को चित्रों में ही देख पाएंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कई जगह सार्थक प्रयास हो रहे हैं और आने वाले समय में गौवंश का परिरक्षण और संवर्धन होते हुए हम देखेंगे। बहुत ही, मैं एक ऐसे नोट पर इस बातचीत को विराम दे रहा हूँ जहाँ मैं बहुत आश्वस्त हूँ। एक धर्माचार्य को मैंने सुना, हम सब ने सुना, जिन्होंने बहुत संतुलित होकर अपनी बात, बहुत सम्यक रूप से अपनी बात कही। कई बार हम क्या है, बातों में बहुत सारे अर्थ ढूंढने लगते हैं क्योंकि हमारे मन में संदेह का प्रकटीकरण बड़ा गहरा होता है, और एक पत्रकार के भीतर तो बहुत गहरा होता है क्योंकि उसे सिखाया ही यही जाता है कि आप हर चीज़ को आसानी से नहीं मान लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आसानी से मान लीजिए, लेकिन सुरेश जी ने बहुत गरिमा से अपनी बात कही, आशीष जी ने बहुत गरिमा से अपनी बात कही,
आज बिल्कुल ठीक बात है कि सनातन परंपरा या 5000 वर्ष पुरानी ये जो संस्कृति है जिसको आप अलग अलग नामों से भी जानते हैं, वहाँ निषेध कुछ चीज़ों का हो सकता है लेकिन मनुष्य का, मनुष्यता का निषेध कभी नहीं रहा है। कितना भी अशुभ कर्म करने वाला या पतित कर्म करने वाला व्यक्ति है, क्षमा की गंगा सब कुछ धुल देती है, लेकिन क्या वो स्नान करना चाहता है क्षमा की गंगा में? क्या वो आना चाहता है? हर चीज़ पर ये छोड़ देना, वो कर देना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि विरोध करने का तरीका भी क्यों ना ऐसा हो कि विरोध करते हुए हम उस व्यक्ति का जिसका विरोध कर रहे हैं उसके अंतस में, उसकी चेतना में कहीं कोई स्फुरण कर सकें, कहीं उसके मन में ये विचार डाल सकें कि आपको ऐसा तो नहीं करना था। क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि दंड देना कानून का काम नहीं है, वो व्यक्ति दोबारा अपराध की तरह प्रवृत्त ना हो, ये भी न्यायिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। वैसे ही विरोध प्रणाली का भी ये अभिन्न हिस्सा होना चाहिए कि हम जिसका विरोध करें उसको एक तो ये लगे कि ये वास्तविक है और दूसरा उसके भीतर कुछ परिवर्तन घट सके। नहीं तो आपके धरना, प्रदर्शन, नारे 365 दिन होते हैं, माफ़ कीजिएगा, कहीं कोई असर नहीं होता। सर बहुत धन्यवाद करता हूँ आचार्य श्री, बहुत धन्यवाद सुरेश जी, और बहुत धन्यवाद आशीष जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, तोड़ो नहीं जोड़ो।